व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली नेस्ट जेएस के अंदर फाइल अपलोड करने के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू प्रेजेंट दिस टॉपिक टू यू। तो इसी के साथ विदाउट टाइम वेस्ट के चलिए जो है वो अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेबस्टॉर्म ओपन कर लिया और उसके अंदर मैंने नेस्ट जेएस फाइल अपलोड के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। नेस्ट का बिल्कुल एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, जिसके अंदर फिलहाल मेरे पास अगर आप गौर करें तो मेरी जो है वो मेन डॉट टी एस की फाइल है, जो बेसिकली मेरी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। और सेकंड में मेरे पास जो है वो एक ऐप मॉड्यूल है, जो मेरा बेसिकली रूट मॉड्यूल है। और रूट मॉड्यूल में मैंने सिंपल जो है वो एक ऐप कंट्रोलर को जो है वो रजिस्टर किया हुआ है, और वो ऐप कंट्रोलर बेसिकली आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और उसके अंदर बेसिकली सिंपल एक जो है वो गेट की रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर हम बेसिकली हेलो वर्ल्ड जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली सारी की सारी जो फाइल अपलोडिंग के जो कंट्रोलर्स वगैरह की कन्फिग्रेशन है वो सारी की सारी हम इसी फाइल में कर रहे होंगे। आप चाहें तो इसके लिए एक सेपरेट जो है वो फाइल का मॉड्यूल भी क्रिएट करके उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस आपका जो है वो सेम ही रहेगा, मैं सारा काम इसी ऐप कंट्रोल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि एक पोस्ट का जो है वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ स्लैश अपलोड का नाम दे देते हैं। ठीक है, और अगेन ये जो पोस्ट का डेकोरेटर है ये इम्पोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम आर नेस्ट जेएस कॉमन्स इम्पोर्ट हो रहा होगा, और आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इम्पोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज करें कि मैं उस मेथड को नाम दे देता हूँ कि इट्स माय अपलोड फाइल। और उस अपलोड फाइल के मेथड के अंदर हम ऑब्वियसली कुछ डेकोरेटर्स हैं जिनकी हम मदद लेंगे, और उस डेकोरेटर की मदद से हम बेसिकली सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड फाइल का जो मेथड है, अगेन इसको जो है वो यहाँ पे एसिंक्रोनस होना है, तो मैं यहाँ पे इसको एसिंक भी कर दूंगा। और एसिंक के साथ साथ हमारे पास कुछ डेकोरेटर्स हैं जिसकी मदद से जो है वो हम यहाँ पर फाइल अपलोड करने का प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है एट द रेट पोस्ट के बाद इस डेकोरेटर के बाद आपने बेसिकली यहाँ पर एक और डेकोरेटर इस्तेमाल करना है, जो बेसिकली होगा इंटरसेप्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बिल्ट इन इंटरसेप्टर इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली नेस्ट जेएस जो है वो एक्सप्रेस की तरफ से आता है। तो उस इंटरसेप्टर का नाम होगा फाइल इंटरसेप्टर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर उस फाइल इंटरसेप्टर को इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। तो इट्स इम्पोर्ट, और वी विल बी इम्पोर्टिंग फाइल इंटरसेप्टर, एंड दिस फाइल इंटरसेप्टर विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम नेस्ट जेएस प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस, यहाँ से उठ के आ रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर मुझे एक डेकोरेटर इस्तेमाल करना है, दैट इज यूज इंटरसेप्टर्स। तो लेट्स यूज इंटरसेप्टर्स, और इस इंटरसेप्टर्स का जो डेकोरेटर है अगेन इस विल बी इम्पोर्टिंग फ्रॉम आर नेस्ट जेएस कॉमन, उससे हमारे पास कॉमन से जो है वो इम्पोर्ट हो रहा होगा। और यहाँ पर हम उसके अंदर बेसिकली फाइल इंटरसेप्टर का जो हमारे पास इंटरसेप्टर है, बिल्ट इन इंटरसेप्टर है, जो नेस्ट जेएस प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस से उठ के आ रहा है, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। और इस इंटरसेप्टर के अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अब इस इंटरसेप्टर के अंदर पहले तो आपने वो पैरामीटर बताना है, वो फील्ड नेम बताना है, या इसको आप की भी बोल सकते हैं, जिस की के बेस पर आप फाइल को सेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो फाइल ही रखूंगा, आप चाहें तो अपना नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई फाइल अपलोड कर रहे होंगे तो उसकी की का नाम बेसिकली यही नाम होना चाहिए जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आपके पास सेकंड जो पैरामीटर्स है उसके अंदर आप बेसिकली ऑप्शंस पास कर रहे होंगे, और ये ऑप्शंस बेसिकली आपके पास म्यूल्टर ऑप्शंस होंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नोड जेएस में जब भी कोई फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो हम म्यूल्टर की हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो स्टोरेज को डिफाइन करेंगे, और स्टोरेज हमारे पास होगी अगेन इस विल बी आर डिस्क स्टोरेज। तो ये जो डिस्क स्टोरेज है यहाँ पे एस कैपिटल होगा, और इस डिस्क स्टोरेज को बेसिकली हम इम्पोर्ट करेंगे, एंड इट विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम म्यूल्टर। ठीक है, और डिस्क स्टोरेज को के अंदर भी बेसिकली हमारे पास कुछ जो है वो ऑप्शन है जो पास होंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, डिस्क स्टोरेज को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स इम्पोर्ट आर डिस्क स्टोरेज, एंड दिस विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम म्यूल्टर, ये हमें म्यूल्टर से इंपोर्ट हो रही होगी। ठीक है, तो इस डिस्क स्टोरेज के अंदर हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हमें पास करूंगा, दैट विल बी फर्स्ट टाइम इज माय डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन को पास करेंगे। और अगेन डेस्टिनेशन जो है बेसिकली ये स्ट्रिंग फॉर्म में हमने जो है वो बताना है कि हम किस जगह पर अपनी फाइल्स को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डॉट बैक स्लैश में इसको
अपलोड्स के फोल्डर में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम इसे अपलोड्स के फोल्डर में रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो नेस्ट क्या करेगा, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रूट डायरेक्टरी होगी उसके अंदर जाकर डॉट स्लैश अपलोड्स के नाम से, मतलब इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा और सारी की सारी फाइलें वहीं पर अपलोड कर रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्टोरेज का मेथड इस्तेमाल किया वो डिस्क स्टोरेज, क्योंकि हम डिस्क के अंदर ही फाइल्स रखना चाह रहे हैं तो हमने वही यहाँ पर मैंशन किया, और ये डिस्क इसको स्टोरेज बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम म्यूल्टर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगेन हमने डेस्टिनेशन डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कि जो फाइल हम अपलोड करेंगे उस फाइल का जो है वो नेम क्या होगा। तो फाइल के नेम के लिए बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो एक मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट का पैरामीटर आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास फाइल का जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और सेकंड में हमारे पास एक सीवी करके एक पैरामीटर आ रहा होगा, ठीक है। तो उस पैरामीटर के अंदर हम बेसिकली सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में अगेन ये जो सीवी का पैरामीटर है ये बेसिकली आपको जो है वो तमाम पैरामीटर्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप बेसिकली इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि फाइल का नाम बेसिकली वही नाम हो जो बेसिकली नाम मेरे पास रिक्वेस्ट से आ रहा हो, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली मैं सिंपल यहाँ पे सीवी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, मुझे सिंपल यहाँ पे पहले पैरामीटर में नल पास करना है और कॉमा देकर सेकंड पैरामीटर में अगेन मैं टिल्डा साइन के अंदर यहाँ पर डॉलर के अंदर जो है वो एक पैरामीटर पास करूँगा, और वो पैरामीटर होगा फाइल, और फाइल का जो ओरिजिनल नेम होगा हम वही पास कर रहे होंगे, दैट विल बी आर ओरिजिनल नेम। सो यहाँ से हम उठाएंगे ओरिजिनल एंड ओरिजिनल फाइल, सॉरी ओरिजिनल नेम, सिंपल, तो इट्स ओरिजिनल एंड नेम, ठीक है। तो हम फाइल का बेसिकली जो है वो ओरिजिनल नेम उठा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ उसकी हमें इंटेलिजेंस जो है वेब स्टॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि मैंने जो म्यूल्टर की टाइप डेफिनेशन से उसे इंस्टॉल नहीं किया। तो आप चाहें तो म्यूल्टर की टाइप डेफिनेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगेन हमने जो है अपना इंटरसेप्टर डिफाइन कर लिया है, उस इंटरसेप्टर के अंदर हमने डिफाइन किया हमारी की, और सेकेंड हमने स्टोरेज प्रोवाइड की कि हम जिस स्टोरेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमने जो है वो डेस्टिनेशन को इस्तेमाल किया है, और डेस्टिनेशन हमने रखी है डॉट फॉरवर्ड स्लैश अपलोड्स, ठीक है। और उसके बाद अगेन हमने फाइल का नेम डिफाइन किया कि फाइल का नेम क्या होना चाहिए, और हम फाइल का नेम बेसिकली जो है वो वही ओरिजिनल फाइल का नेम रखना चाह रहे हैं जो हमारे पास मौजूद होगा, जो मतलब रिक्वेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट पे आकर यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे जो है वो कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से सिंपल जो है वो एक चीज़ रिटर्न करवा सकता हूँ, दैट इज़ माई सक्सेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा सक्सेस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है वो उम्मीद है कि हमारा जो ये मेथड है, मतलब ये जो कंट्रोलर का मेथड है पोस्ट का, ये प्रॉपरली काम कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पे मेरा ख्याल अब हम जाके इसको ईजिली जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ओपन आर टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और हम npm run start और colon dev करके इसको development mode में application को start कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है, हमारे दोनों राउट मैप हो चुके हैं, एक गेट का जो राउट है वो भी मैप हो चुका है, और अपलोड का राउट भी प्रॉपरली मैप हो चुका है। तो इस केस में अगेन हम अपना पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, तो मैं सिंपली जो है वो एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, और रिक्वेस्ट क्योंकि पोस्ट की होगी तो ये पोस्ट होगा, और यहाँ पर जो हमारे पास URL बनेगा दैट विल बी HTTP फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000, और फॉरवर्ड स्लैश अपलोड की जो है वो रिक्वेस्ट बनेगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगेन जो है वो मैं यहाँ पर सिंपल फाइल को सेंड करने के लिए आपको बेसिकली बॉडी में आना है, और बॉडी के अंदर आते साथ ही आप इस फॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, और फॉर्म डेटा पे क्लिक करते साथ ही आपको सबसे पहले जो है वो की प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर की प्रोवाइड करने से पहले आपको बेसिकली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और आपको बताना है कि आप बेसिकली क्या चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं, क्या वो एक टेक्स्ट होगा या फाइल होगी। तो हमारे केस में फाइल है तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, और फाइल पे क्लिक करते साथ ही मुझे सबसे पहले की डिफाइन करनी है। अब ये जो की आप डिफाइन करेंगे वो बेसिकली सेम वही की होगी जो आपने यहाँ पे मेंशन की होगी। तो हमारे केस में जो हमने की मेंशन की वो फाइल है, तो ये की बेसिकली आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं जो है वो फाइल लिख दूंगा, और यहाँ पर हम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इमेजेस खुल जाएंगे जिसके थ्रू आप बेसिकली जो है वो कोई भी फाइल जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में बेसिकली एक ये फाइल है टेस्ट डॉट पीएनजी, जो बेसिकली सिंपल सा एक कोड ही है जो मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। तो मैं सिंपली इसको अपलोड करना चाहूँगा, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट पोस्टमैन ने उस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सेप्ट करते साथ ही अब मुझे रिक्वेस्ट को हिट करना है, तो जैसे मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सक्सेस का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 201 क्रेडिट जो है वो रिस्पॉन्स में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि तमाम चीज़ें प्रॉपर
प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर जैसे आप पोस्टमैन को हाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने वेब स्टॉर्म में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब स्टॉर्म ने बाय डिफॉल्ट जो है अपलोड का एक फोल्डर आपको बना दिया है। और जैसे ही आप इस अपलोड के फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको टेस्ट डॉट पी एन जी की फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और ये वही डेस्टिनेशन है जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। तो जैसे ही आप इसको टेस्ट डॉट पी एन जी को ओपन करेंगे तो आपको बेसिकली वही इमेज मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर अपलोड की थी थ्रू पोस्टमैन। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरे नज़दीक जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इमेज को जो है वो क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप बेसिकली अगर चाहें तो इस फोल्डर को, अपलोड्स के फोल्डर को एज अ पब्लिक फोल्डर भी जो है वो जो है सर्व कर सकते हैं थ्रू योर नेस्ट एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप कोई भी यूज़र जो है वो इन फाइल्स को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको सिंपली अपने मेन डॉट टी एस में आना है, और मेन डॉट टी एस में आते साथ ही आप यहाँ पर जो है वो एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, दैट विल बी इम्पोर्ट। और यहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे आर नेस्ट एक्सप्रेस एप्लीकेशन, और अगेन ये इम्पोर्ट हो रही होगी फ्रॉम नेस्ट जे एस प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस से। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन करनी है, दैट विल बी आर नेस्ट एक्सप्रेस एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर आकर आप जो है वो डायरेक्टरी को मैंशन कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी को जिसको आप बेसिकली पब्लिकली सर्व करवाना चाह रहे हैं। तो दैट विल बी एप डॉट यूज़, और यूज़ यहाँ पर हम मैंशन करेंगे स्टैटिक एसेट्स, और स्टैटिक एसेट्स में अगेन हम जो है वो इस फोल्डर की लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जो मेरे पास अपलोड का फोल्डर होगा। ठीक है, तो उस केस में मुझे अगेन लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा स्टार एस पाथ, और हम इसे इंपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम पाथ। ठीक है, तो उसके बाद अगेन हम इस पाथ की मदद से यहाँ पे हम करेंगे पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट पाथ देना है, तो पाथ डॉट ज्वाइन के अंदर अगेन हम अंडरस्कोर, सॉरी यहाँ पर आकर दैट विल बी अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्ट्री नेम, और क्योंकि हम इस करंट डायरेक्ट्री में खड़े हुए हैं तो करंट डायरेक्टरी से मुझे एक फोल्डर अप जाना है, और हमें यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपलोड्स का फोल्डर। ठीक है, तो उसको अब इसी पॉइंट पे टर्मिनेटर लगा के मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में मैंने बेसिकली यहाँ पे करंट डायरेक्टरी को मेंशन किया, क्योंकि मेरी मेन डॉट टी एस जो है वो सोर्स के फोल्डर के अंदर है, तो मुझे एक फोल्डर अप जाना है और फिर अपलोड्स के फोल्डर को मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर अप किया हूँ और फिर मैंने अपलोड्स के फोल्डर को मेंशन कर दिया। तो इस पॉइंट से करते साथ ही आप अगेन अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर अगेन आर एस दबा के इसको एंटर करेंगे तो अगेन मेरा जो वेब एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, और उस पॉइंट पर अगेन जाकर आप इस फाइल को किसी भी ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे स्टैटिक एसेट जो है वो सर्व कर रहे हैं फ्रॉम आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो अगेन मैं गूगल क्रोम अगर अपना ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगेन हम https://. लोकल होस्ट, और पोर्ट है मेरे पास 3000, और फॉरवर्ड स्लैश हम फाइल का नाम मेंशन करेंगे, तो हमारे केस में फाइल का नाम था टेस्ट डॉट पी एन जी। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वही सेम फाइल मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर में सर्व हो रही है। ठीक है, तो इस केस में ये वन ऑफ द वेज है जिसके थ्रू आप बेसिकली अपनी फाइल्स को जो है वो सर्व कर सकते हैं फ्रॉम योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जो फाइल्स आपने अपलोड की हैं वही फाइल्स आप इस तरीके से एज ए स्टैटिक एसेट आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, वन वे एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दूसरे तरीके में ये है कि आप बेसिकली स्पेसिफिकली उसका जो है वो एक अलग से कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आते साथ ही मैं यहाँ पर जो है अब वो एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट से टू सर्व फाइल। ठीक है, हम यहाँ पे सर्व फाइल करने के लिए एक अलग से कंट्रोलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली मुझे सिंपल जो है मैं काम करता हूँ, एक गेट की रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और इस गेट की रिक्वेस्ट को अगेन हम गेट को इम्पोर्ट भी कर लेंगे। ठीक है, और गेट की रिक्वेस्ट को हम डिफाइन कर रहे होंगे, लेट सपोज करें कि फॉरवर्ड स्लैश मैं कर देता हूँ गेट फाइल। ठीक, हम फाइल को गेट करने के लिए से कंट्रोलर बना लेते हैं, और यहाँ पर हम मेथड का नाम भी गेट फाइल रख लेते हैं। ठीक है, और गेट फाइल के अंदर हम बेसिकली जो है वो अगेन यहाँ पे एक रिस्पॉन्स का जो बाय डिफॉल्ट डेकोरेटर है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रेस, और ये जो रिस्पॉन्स होगा इसकी टाइप जो है बेसिकली रिस्पॉन्स होगी, और अगेन इस रिस्पॉन्स टाइप बेसिकली जो है वो अगेन एक्सप्रेस रूट की आ रही होगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स इम्पोर्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम एक्सप्रेस से। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, और नीचे आते साथ ही अगेन यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स के पैरामीटर को भी ऐड कर लिया, और सेकंड में हमें बेसिकली जो है वो एक चीज़ ऐड कर रहे होंगे जो बेसिकली अगेन मेरे पास बॉडी होगी। ठीक है, और बॉडी में अगेन आई विल बी एक्सपेक्टिंग सम पैरामीटर्स, हम कुछ पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से बॉडी मैं फाइल कर लेता हूँ, और उसकी टाइप हम बना लेते हैं फाइल पैरम्स करके,
हम इसकी टाइप बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइल प्रेफरेंस के लिए भी हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आई कैन यूज क्रिएट इंटरफेस फाइल प्रेफरेंस, और इंटरफेस को भी अगेन आप चाहें तो इसको अलग फाइल में रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऐप कंट्रोल में बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम सिर्फ एक ही पैरामीटर डिफाइन करेंगे, दैट विल बी आर फाइल नेम। तो सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया, तो इट्स फाइल नेम कर लेते हैं, और इट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो इंटरफेस में एक ही पैरामीटर है जो कि फाइल नेम है, और उस पॉइंट पे नेक्स्ट बेसिकली हम जो है वो प्रॉपर मेथड डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमने प्रॉपर मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली ये होगा, जो बेसिकली ये वाला रिस्पॉन्स का पैरामीटर है, इसके थ्रू हम बेसिकली बाई डिफॉल्ट फाइल को सेंड करवाएंगे, और जो फाइल का नेम उठा रहे होंगे वो बेसिकली वही नेम प्रोवाइड करेंगे जो बेसिकली रिक्वेस्ट से आ रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में अगेन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे रेस रिस्पॉन्स के इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, डॉट मेथड इस्तेमाल करेंगे सेंड फाइल का, और सेंड फाइल के अंदर हम बेसिकली एब्सोल्यूट लोकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे उस फाइल की, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन क्योंकि हमें एब्सोल्यूट लोकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हम पाथ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डेट इज इम्पोर्ट स्टार, सॉरी यहाँ पर आएगा स्टार एस पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है। तो हम पाथ इंपोर्ट करेंगे, और पाथ इंपोर्ट करते साथ ही अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आते साथ ही हम यहाँ पे पाथ को इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन इट विल बी पाथ डॉट ज्वाइन, और हम ज्वाइन करेंगे अंडर स्कोर अंडर स्कोर डायरेक्ट्री नेम, डायरेक्ट्री नेम को ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि अभी अगर आप देखें तो हम लोग बेसिकली सोर्स अंदर खड़े हुए हैं, तो मुझे अगेन यहाँ से एक फोल्डर अप जाना है, ठीक है। एक फोल्डर अप जाते ही मुझे अपलोड्स के फोल्डर में जाना है, और अपलोड्स के फोल्डर के बाद जो है बेसिकली मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे के उस फाइल का नाम मैंशन करना है, ठीक है। तो नाम मैंशन करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को अपेंड करवा लेता हूँ, ठीक है। और स्ट्रिंग को अपेंड करवाते साथ ही मैं यहाँ पे फाइल जो फाइल का ये वाली जो बॉडी आ रही होगी उसके अंदर से मैं फाइल नेम को पिक करूंगा, तो दैट इज फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो इस पॉइंट उसको मैं यहाँ पे सिंपल सेव करवा लूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन जो भी फाइल का नेम मेरे पास फ्रंट एंड से उठ के आ रहा होगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट से उठ के आ रहा होगा, तो वही बेसिकली यहाँ पे मेंशन होगा, और वही फाइल बेसिकली मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगेन एक तो अपना टर्मिनल चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है, और मेरे पास जो गेट फाइल का जो मेथड है वो भी प्रॉपरली मैप हो चुका है, ठीक है। तो सवाल में चलते हैं हमारे पोस्टमैन पे, ठीक है। तो पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं, और पोस्टमैन पे जाते साथ ही मैं एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, और ये अगेन गेट की रिक्वेस्ट होगी। यूआरएल मेरे पास सेम होगा, तो मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते साथ ही हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यूआरएल को चेंज करके दैट इज माई गेट फाइल का यूआरएल होगा, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, और गेट फाइल के बाद अगेन क्योंकि हमने बॉडी प्रोवाइड की, और बॉडी अगेन जेसन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं जेसन पे यहाँ पे उसका जो है वो फाइल नेम प्रोवाइड कर दूंगा। तो दैट इज़ माई फाइल नेम, और फाइल नेम हमारे केस में अगर आप देखें तो यही पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने इंटरफेस क्रिएट किया था उसमें यही फाइल नेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फाइल नेम हमारे पास अगेन ये टेस्ट डॉट पी एन जी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यही फाइल हमारे पास फिलहाल मौजूद है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे अगेन चलते हैं हमारे पोस्टमैन की तरफ, और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा टेस्ट डॉट पी एन जी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेंड करेंगे, जैसे सेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में अगेन मेरे पास बॉडी में वही इमेज उठ के आ रही है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की थी, ठीक है, इसके अंदर। और अगेन यहाँ पर अगर आप कोई नाम चेंज कर देते हैं 123 करके PNG करके सेंड करेंगे, तो अगेन आपको जो है वो एक एरर मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसके अगेंस्ट में कोई इमेज आपके पास नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली फर्दर ट्राई आउट भी कर सकते हैं। अगर लेट सपोज कर मैं दोबारा पोस्ट में आता हूँ, और पोस्ट में आके मैं इस फाइल को क्लोज करके कोई और फाइल सेंड करता हूँ, मान लीजिए मैं कुछ और सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, जिस तरह ये एक्सप्रेस डॉट पी एन जी एक फाइल पड़ी हुई मेरे पास जिसमें एक्सप्रेस का लोगो है, तो उसको अगर मैं ओपन करके यहाँ से सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेस आ चुका है, 201 क्रेडिट भी आ चुका है। और अगर आप इसको मिनिमाइज करके मेरे अपलोड्स के फोल्डर को देखेंगे तो आपके पास एक्सप्रेस डॉट पी एन जी की इमेज प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है। और अगेन अगर आप इसको गेट करना चाह रहे हैं तो पोस्ट की रिक्वेस्ट में आकर गेट फाइल में आकर आप यहाँ पर टेस्ट के बजाय आप एक्सप्रेस लिखकर इसको अगर सेंड करेंगे तो आपको उसी नाम के अगेंस्ट में वही फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे तकरीबन चीज़ें मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रही हैं, ठीक है। और अगेन हमने क्योंकि अपलोड्स के फोल्डर को स्टैटिकली सर्व किया हुआ है, तो अगेन आप अपने क्रोम में जाकर यहाँ पर टेस्ट के बजाय इसको जो है वो एक्सप्रेस लिखकर अगर सेंड करेंगे तो आपको वही एक्सप्रेस की इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, हाउ टू अपलोड एन फाइल, ठीक है, किस तरीके से हम फाइल को अपलोड करते हैं और किस तरीके से हम उसे सर्व करते हैं,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा ख्याल ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी। अगेन आप लोगों के लिए कोड में जो है वो गेटअप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग फर्दर जाकर इस कोड को जो है वो रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको चेंज भी कर सकेंगे।